नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो ओल्ड इज गोल्ड इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में ये मेरा तीसरा वीडियो है, और जहाँ पे मैं बात करूँगा 2018 में बनाई गई और 19 में रिलीज़ की गई एक बॉलीवुड की एक खास मूवी जिसका नाम है मर्द को दर्द नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये फिल्म लेके ज़्यादा बात तो हुआ नहीं है, और महज ये 12 करोड़ की फिल्म सिर्फ 2 करोड़ की ही कमाई जो है बॉक्स ऑफिस में कर पाई थी, और फिल्म जो है वो बहुत ही बुरा तरीके से पिट गई थी। लेकिन क्यों मैं इस फिल्म के बारे में आज मैं बात करूंगा और क्यों ये फिल्म इतना खास फिल्म है, डिटेल्स में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, मर्द को दर्द नहीं होता है बेसिकली एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो बहुत पुराने एक बॉलीवुड फिल्म से उठाई गई है, और उसी थीम के ऊपर ये फिल्म जो है बनाई गई है, जिसका निर्देशक है वासान बाला, जो बहुत ही एक मंजे हुए डायरेक्टर है। तो इस फिल्म में पहली बार जो है अभिमन्यु दसानी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसी के साथ यहाँ पे बहुत और भी कलाकार थे। दोस्तों, कहानी जो है एक छोटे से बच्चे की है, जो बच्चा एक बहुत ही अनोखा किस्म का एक बीमारी से जूझता है जिसको कहा जाता है CIP, अर्थात जहाँ पे बच्चे को कुछ भी चोट लग जाए, कोई भी कहीं से भी उसको कोई भी कुछ भी लग जाए, लेकिन उसको दर्द जो है वो महसूस नहीं होती है। ये बच्चा जो है बहुत ही शरारती बन जाता है, और अपने मोहल्ले में वो बहुत सारे कारनामा अपनी छोटी सी उम्र में ही करना चालू कर देता है। लेकिन ये देखते हुए कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उसका बाप ने जो किया कि उसको घर के अंदर में उसको बंद कर दिया कि तुम घर से बाहर मत जाओगे। तो ये बच्चे का जो भी सारे दोस्त हैं, जो भी बचपन के यार दोस्त हैं, सब उससे बिछड़ गए, और बच्चा जो है एकदम घर के अंदर में अकेला पड़ गया। सिर्फ उसके साथ उसका जो नाना है वो उसको जो है संगत देता रहा। यही बच्चा जब बड़ा होता है, बच्चा पूरा तरीके से एक मार्शल आर्ट्स की मतलब एडिक्ट हो जाता है, और घर में जो पिछला 12 साल वो घर के अंदर में बंद रहता है, वो मार्शल आर्ट्स को बहुत अच्छा तरीके से सीख लेता है टीवी में देख के। तो यही फिल्म जब आगे बढ़ती है, तब वो बच्चा जाके अपना जो मार्शल आर्ट्स का जो गुरु है उससे मिलता है, जिसका नाम किरदार का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैराटे मनी, तो उससे मिलता है और उसको एक प्रॉब्लम से वो बचाता है। बेसिकली ये एक बहुत ही बढ़िया एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है, और अगर कहा जाए तो पिछले 10 साल में बॉलीवुड में बनी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन फिल्म है। इतना बढ़िया एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा इस फिल्म के अंदर में, जो शायद एक बॉलीवुड फिल्म में बहुत कम बनती है। दोस्तों, इस फिल्म की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो पहला जिसका नाम आएगा अभिमन्यु दसानी का, बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है इस फिल्म के अंदर में। एज ए डेब्यूटेंट उनका परफॉर्मेंस लाजवाब है। मैं बहुत हैरान हूं कि उनको अभी निकम्मा जैसे फिल्म में उनको कास्ट की गई है, उनको इस तरीके का कैरेक्टर दी गई है। जितना टैलेंटेड ये बच्चा है, उतना मतलब आप बोल सकते हो इस फिल्म के अंदर में उसका जो झलक है आप देख पाओगे। साथ में राधिका मदन है जो फीमेल लीड का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रही है, जो उसका बचपन का दोस्त भी है, और बहुत ही बढ़िया उसने भी काम किया इस फिल्म के अंदर में। वो भी काफ़ी बढ़िया भारी भरकम एक्शन करते हुए दिखेंगे इस फिल्म के अंदर में। साथ में माहेश मांजरेकर की बात करूँ, तो माहेश मांजरेकर यहाँ पे उनकी नाना की जो किरदार है वो प्ले कर रहा है, और वो भी काफ़ी अच्छा है आप बोल सकते हो कि यहाँ पे काम किया है। लेकिन इस फिल्म के अंदर में ड्यूअल किरदार में मनी और जिमी के किरदार में आप देखोगे गुलशन देवैया को, जो गुलशन देवैया को इससे पहले आप लोग हंटर जैसी मूवी में देख चुके हो, बहुत ही क्रिटिकली एक एक्लेम्ड मूवी है। तो गुलशन देवैया यहाँ पे ड्यूअल रोल में है, जहाँ पे वो कैराटे मनी का किरदार भी करते हैं, और उसकी जो राइवल है उसकी जिमी उसकी की किरदार भी वो करते हैं, और दोनों किरदार में वो बहुत ही अच्छा काम किया है। दोस्तों, अगर मैं इस फिल्म की सबसे बड़ी पॉजिटिव कहूँ, तो देखिए इस फिल्म का जो थॉट है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन ये एक डिजीज भी है कि आपको कुछ भी हो जाए, जितना भी आपको मार पड़े, जितना भी चोट आघात जो भी लग जाए, लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं होता है। यहाँ पे अभिमन्यु दसानी का एक सीन है जहाँ पे उसको दर्द उसका पैर टूट जाता है और वो मुंह से सिर्फ आउच बोलता है। तो ये जो मतलब जो पिंच है ना, ये जो कहानी में जो ट्विस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। और उसी के साथ उनको उसका मार्शल आर्ट के ऊपर उसका जो मतलब उसका जो डेडिकेशन उसका जो पैशन वो भी बहुत उभर के आता है, और 12 साल घर के अंदर में रहने के बावजूद वो इतना बढ़िया एक्शन सीख जाता है, वो भी काफ़ी कमाल का देखने के लगता है। देखिए, फिल्म के अंदर में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है, फिल्म की नरेशन जो टेक्निक है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक बहुत ही लाजवाब एक डायलॉग के साथ फिल्म जो है शुरू होती है, और फिल्म जो है वो फ्लैशबैक में चलती है।
तो बच्चे का एकदम बचपन से लेके आखिर का जो सीन है वो सीन में फिर से फिल्म जो है वो वापस आती है। तो नरेशन स्टाइल भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है फिल्म के अंदर में, और एक्शन तो भरपूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतने बढ़िया स्टंट्स, इतना बढ़िया एक्शन करते हुए इस फिल्म के अंदर में अभिमन्यु और राधिका मदन दिखेंगे कि शायद एक फिल्म हो जहाँ पर आपने इतना बढ़िया एक्शन देखा है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस में उतना चल नहीं पाई है, लेकिन फिल्म को बहुत सारा ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सराहा गया है, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो इसको रिस्पेक्ट मिला है। फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, तो जिसने अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखा है मैं हाईली रिकमेंड करूँगा दोस्तों, ये फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच बॉलीवुड फिल्म है। जो हम लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में उतना खास एक्शन मूवी मिलती नहीं है, उतना बढ़िया एक्शन फिल्म बनती नहीं है, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है बॉलीवुड में बनी। शायद आपने इसका नाम सुना है, शायद आपने इसके बारे में ज़्यादा देखा है, लेकिन ये फिल्म जो है कि बहुत ही वेल मेड, बहुत ही वेल रिटन फिल्म है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे ये CIP जो डिजीज़ है उस डिसऑर्डर को दिखाया गया, एक छोटे बच्चे का पेन से लेके शुरू करके एक बड़ा आदमी जब एक हट्टा कट्टा जवान बन जाता है तब तक उनका जो लाइफ की जर्नी है इस डिजीज़ के साथ वो बहुत अच्छा तरीके से इसको दिखाया गया है। तो दोस्तों मेरे लिए तो डेफिनेटली एक रिकमेंडेड वॉच है ये मूवी, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर इसको देखिए, और मेरा ये सजेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।